नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ। देखिए, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि शायद अपनी चंद लाइनों के द्वारा उनका कुछ परिचय दे पाऊं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कमलेश मीणा जी, क्षेत्रीय निर्देशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक वक्ता, लेखक, समालोचक, संवैधानिक विचारक, वैज्ञानिक विचारक, मीडिया विशेषज्ञ और भी न जाने कितनी ही खूबियों को अपने अंदर समेटे हुए। इसके अलावा ये आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के भी जाने माने वक्ता रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब आज जिस पद पर हैं, ओहदे पर हैं, इतना आसान नहीं था। इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और कठिनाइयों भरा रहा है, लेकिन इनका मानना है कि इन्होंने शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज ये जिस मुकाम को हासिल कर पाए हैं, शिक्षा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस उतार चढ़ाव भरे जो है अपनी लाइफ की जर्नी में इन्होंने अनेक भूमिकाओं का निर्वहन किया है। ये एक शिक्षक, दुकानदार, मीडिया विशेषज्ञ और आज यहां तक पहुंचे हैं। तो और ये समाज और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और आदर्श हमेशा से ही रहे हैं। तो आइए हमारे समाज, राज्य और राष्ट्र के ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से जुड़ते हैं जो आज वर्तमान समय में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के द्वारा कश्मीर घाटी के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की तकरीर के लिए, आपने जो अवसर हमको दिया बातचीत करने के लिए। और मैं आपके लिए विशेष करता हूँ कि आप जो काम कर रही है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को बनाने के लिए, एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज देने के लिए थ्रू योर चैनल, सो आपने हमको बुलाया, उसके लिए प्रति हम शुक्रगुजार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो बातचीत हमारी होगी वो हमारी यूथ जनरेशन के लिए, हमारी युवाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक नज़ीर के रूप में उसको वह एक्सेप्ट करेंगे। और इस डिस्कशन के माध्यम से जो डिलीवरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, इससे हमारे यूथ को एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा पहला क्वेश्चन जो मैं और मेरे दर्शक सभी जानना चाहते हैं, आपके जीवन के बारे में। आपका जो जीवन इतना कठिनाइयों भरा, संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन फिर भी इन सभी का सामना करते हुए आपने जो फर्ज से अर्श तक की जो ये यात्रा तय की है, और एक समाज और राष्ट्र राज्य के लिए एक आदर्श रहे हो, युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत रहे हो हमेशा से ही, तो आपका ये जो जीवन है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और अब तक की यात्रा को सर हम आपसे ही जानना चाहेंगे, मैं और मेरे दर्शक। सबसे पहले तो ये जानना समझना जरूरी है कि केवल मैं ही अकेला और अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ जो जिसने ये काम हासिल किया है या उस दौर क्रिटिकल दौर से गुजरा है। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो बड़ी तकलीफ रही, जो लाइफ रही है, ये कि इकोनॉमिकली डिसपेरिटी हमारे यहाँ पर है, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पर है। और आर्थिक संकट की वजह से इस देश में बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के, लड़कियां या बहुत सारे ऐसे वालिद वालिदान हैं जो अपने ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं। और जो जिस दौर से मैं गुजर कर आया हूँ, ये मैं नहीं समझता हूँ कि केवल मैं ही व्यक्ति, मैंने ही वो दौर फेस किया है। आज भी इस मुल्क में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ दही जिंदगी लोग गुजारते हैं, जहाँ आर्थिक संकटों का सामना करते हैं, लेकिन उनकी अपनी ड्रीम है, अपनी ख्वाहिश है, और उसको पूरा करने की जद्दोजहद में वो खुद भी लगे रहते हैं और उनके वालिद वालिदान, उनके माता पिता भी लगे रहते हैं। तो मैं अपने बारे में तारुफ आपसे करवाता हूँ, तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मैनपुरा गांव से मैं ताल्लुक रखता हूँ। बहुत आपकी जो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से हुई, गांव देहात में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सवाई माधोपुर मूव किया, उसके बाद जयपुर मूव किया, उसके बाद लखनऊ होते हुए मेरी यात्रा शुरू रही। लेकिन इस दौरान मैंने बहुत सारी चीजों को फेस किया, बहुत विकट सरकमस्टेंस को पार करते हुए हमने मुकाम हासिल किया है।
लेकिन मैंने ये इस बात को भी अच्छी तरह से अनुभव किया कि मैं कोई अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं था। इस देश में लाखों नहीं करोड़ों नहीं पर असंख्य लोग ऐसे हैं जिनकी तकलीफें आर्थिक बदहाली की वजह से बहुत ही खराब रहती है। और लेकिन जिस बात को हमको ये बोलना नहीं चाहिए कि एजुकेशन के मार्फत हम सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। आज जो भी मुकाम हमने हासिल किया है या हमारे पहले लोगों ने हासिल किया वो सब मुमकिन हुआ केवल एजुकेशन के मार्फत। तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे है कि एजुकेशन का एक्सपेंशन सोसाइटी में हमारे मुआशरे में कैसे हो और इल्म की जोत हमारे मुआशरे के हर व्यक्ति तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे, व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए इसी जद्दोजहद में हम लगातार लगे रहते हैं। आपने जिस मिशन जहाज जिसने भी मेरे बारे में आपको परिचय दिया, जिसने भी बताया, तो ये कोई मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। इस बात को बार बार कहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में आप देखेंगे, किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, किसी भी रियासत की बात कर लीजिए, आज भी आर्थिक पक्ष हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जिसकी बदौलत हमारे बच्चों को, बच्चियों को वो शोहरत, वो मुकाम, वो मंजिल हासिल नहीं हो पाती है। और या तो उसको सब चीजों को हासिल करने का जरिया है एजुकेशन। उसके लिए हम जैसे लाख मिशन के लिए थ्रू हायर एजुकेशन, तो मुझे इस बात की फक्र है, इस बात की खुशी है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मार्फत मुझे ये मुकाम मिला और मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ थ्रू हायर एजुकेशन। इससे पहले मैं कश्मीर में आने से पहले मैं राजस्थान, पंजाब, असम में भी मुझे काम करने का मौका मिला और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई उसको हमने बखूबी ईमानदारी से निभाया है। आगे भी इसी जज्बे के साथ इसको पूरा करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि हायर एजुकेशन की जो पहुंच है वो लोगों तक हो, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति एजुकेशन के दायरे में आना चाहिए। तो उसी जद्दोजहद में हम लगातार लगे रहते हैं और यही प्रयास हमारा होगा कि एजुकेशन के मार्फत हमारी बच्चों की लाइफ में बदलाव आए। सर, अगला क्वेश्चन मेरा कि आप मीडिया विशेषज्ञ रहे हो, शिक्षक रहे हो, दूरदर्शन और आकाशवाणी के जाने माने वक्ता रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में 18 से 20 वर्षों से लगातार व्याख्यान दे रहे हो, यानी काफी बारीकियां हैं, काफी विशेषज्ञता आपको प्राप्त है। तो अगला क्वेश्चन मेरा उन आज के यूथ की तरफ से जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आज हम पाते हैं कि न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स कहीं एक मनोरंजन भर का साधन रह गए हैं, विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। तो आज का यूथ जो इस फील्ड में जाना चाहता है वो नहीं समझ पा रहा है, उसे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से काम वो उनको कर हर मंच से करता रहा हूं कि कोई भी महकमा बुरा नहीं होता है, कोई भी महकमा मुकम्मल नहीं होता है, हर महकमे की अपनी अपनी खूबी होती है। बस अर्थ है कि हम जिस उस महकमे में जाते हैं हम कितने मुकम्मल तरीके से या जहनी तौर से उसको एक्सेप्ट करते हैं। और किसी भी महकमे में कोई खामियां होती नहीं है, खामियां दरअसल वहां पर काम करने वाले मुलाजिमों में होती है, वहां के एम्प्लॉयज में होती है। तो इस बात की मैं हमेशा एडवोकेसी करता रहा हूँ कि अगर किसी भी सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को एक अच्छी तालीम दे दीजिए, अगर आपकी तालीम अच्छी होगी तो जो तालीम के मार्फत जो प्रोडक्शन आपका होता है, एजुकेशन के मार्फत या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो प्रोडक्शन निकल कर आता है वो एक, और जो जो भी व्यक्ति स्किल्ड व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसकी तालीम अच्छी है, उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसके अंदर मान मूल्य मर्यादा है, उसके अंदर शिष्टाचार है, तो डेफिनेटली ही और सी विल परफॉर्म बेटर। लेकिन मसला है कि हमारी सोसाइटी में कैन कैन डिक्लाइन हुआ है एजुकेशन का और कैन कैन कंप्रोमाइज किया है हमने, तो उस लेवल का प्रोडक्शन हम एजुकेशन संस्थाओं के मार्फत नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए मीडिया की बात नहीं है, मैं केवल मीडिया को दोष नहीं देता हूँ, इस देश में और भी संस्थाएं हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव हो, आपकी कार्यपालिका हो, जुडिशरी हो, आपका मीडिया हो, इन सबसे चारों जो फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी के होते हैं उनसे हमारा सिस्टम बनता है और उस चारों सिस्टमों को चलाते हम लोग हैं। तो अगर मेरे अच्छे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हम क्रिएट करने में अवेल होंगे, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली अकाउंटेबिलिटी के साथ में वो करेगा। लेकिन मसला यही है कि हम वी आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरली हायर, तो इस वजह से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज है, जो असाइंड ड्यूटीज है,
चाहे नेशन के प्रति हो चाहे कर पा रहे। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि आप मीडिया अच्छा है, मैं जिस दौर में मीडिया में था या जिस दौर में मीडिया एजुकेशन मैंने लिया, ये बात सच है कि मैं मीडिया में इसलिए आया था कि उस वक्त एक नेम फेम ग्लैमर देखकर मीडिया में लोग जाया करते थे, लेकिन मैं इस नेम फेम के लिए मीडिया में नहीं गया था। मैं मीडिया में ये गया था कि मेरे मार्फत शायद कुछ तब्दीली मैं कर पाऊंगा, मेरे मार्फत कुछ कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन गुड गवर्नेंस के लिए कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने 4-5 साल मीडिया में काम किया तो इस बात की मुझे इल्म हुई, इस बात की महसूस मुझे हुआ कि शायद जिस उम्मीद के लिए मैं मीडिया में आया था, मीडिया इज नॉट फॉर दैट। मैंने मीडिया छोड़ा, उसके बाद में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया एमडीएस यूनिवर्सिटी में। मुझे इस बात की फक्र है कि आई वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर एंड 2008 आई ज्वाइन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर देयर। एंड मैं जर्नलिस्ट नहीं बन पाया, लेकिन अच्छे जर्नलिस्ट बने इस बात की पैरवी में मैं लग गया, और 4 साल मैंने वहां काम करने के बावजूद भी ये इस बात का भी मुझे एहसास हुआ कि एक डिपार्टमेंट के जरिए आप हर साल 40 बच्चों को एजुकेशन देते हो, उसमें कितने बच्चे क्लास में अटेंड करते हैं, कितने बच्चे एब्सेंट रहते हैं। तो उसके बाद में 12 में मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, और 10 साल का जो मेरा फासला इग्नू के साथ रहा, इसमें मुझे इस बात की फक्र हुई कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़े लेवल पर हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और बड़ी तादाद में व्यक्तियों को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में है। और आज इस बात की मुझे खुशी है कि मैं बहुत दौर से मैं गुजर के रहा हूँ, प्राइमरी टीचर से लेकर सीनियर सेकेंडरी टीचर से लेकर एक जर्नलिस्ट से लेकर एक असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर आज रीजनल डायरेक्टर तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे मार्फत हमने सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, और लगातार इसी जद्दोजहद में हम लगे रहते हैं कि एजुकेशन सबसे अहम होती है डेमोक्रेसी के अंदर। जमहूरियत में इल्म एजुकेशन तालीम जो कि सबसे अहम मसला होता है, एजुकेशन की पहुंच लोगों तक हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता डेमोक्रेसी की है, और इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की रोल देखेंगे आप तो बहुत अहम रोल है। तो अभी तक मैं मेरे काम से, मेरी परफॉर्मेंस से, मेरे काम करने के नजरिए से, जज्बे से बहुत खुश हूं, और अच्छा लगता है कि लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को हमारी जो भी असाइन ड्यूटी है सरकार के द्वारा, जो भी ड्यूटी हमको दी गई है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कर रहा हूं। कश्मीर में आकर पिछले 5 महीने में मैं यहाँ पर हूँ, और बहुत ज्यादा चीजों को हमने दुरुस्त करने का प्रयास किया है। ये ही मेरे लिए मेरी अपनी आज की ड्यूटी है, और आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको भी बखूबी हम अंजाम देंगे। प्लीज जी सर, शिक्षा के महत्व की आपने बात की, तो अगला क्वेश्चन इसी को लेकर मैं करना चाहूंगी। देखिए सर, मैंने आपको कई बार सुना है, आपने हर बार जिक्र किया है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद अगर आप इस जगह पहुंच पाए हो तो वो सिर्फ शिक्षा से संभव हो पाया है। लेकिन सर देखिए, शिक्षा का इतना महत्व है, लगातार इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां है कि आज हम अदर कंट्रीज से पिछड़े हुए हैं। और सर हम जानना चाहेंगे कि जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू किस तरीके से कार्य कर रहा है। मैंने कहा ना, शिक्षा से बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती, कि आदमी के पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पूंजीपति आदमी हो, पैसा एक समय निश्चित समय के बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज है जो ताउम्र आपके साथ रहती है। और हमारे सोसाइटी के जितने भी महापुरुष हुए, चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, सर सैयद अहमद खान ने उस दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने ऐसी विकट परिस्थितियों से निकलकर कोलंबिया तक पहुंचे, इंग्लैंड में जाके हायर एजुकेशन ली और इस देश के संविधान को बनाने में अपनी रोल अदा की। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये केवल ताकत शारीरिक बल से नहीं, ये पैसे के ताकत से नहीं, ये हुआ एजुकेशन के मार्फत। तो एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके मार्फत हम हमारा कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन हमारे देश को, सोसाइटी को हम दे सकते हैं। और जितने भी देश दुनिया में, हमारे मुल्क की बात नहीं करता मैं, पूरे मुल्क की बात करता हूँ, जिस भी मुल्क में तरक्की की है वो केवल एजुकेशन के मार्फत हुई है। साइंस एजुकेशन की डेवलपमेंट जिस मुल्क में ज्यादा हुई है, वेस्टर्न कंट्रीज को ले लीजिए, यूरोप को ले लीजिए, अमेरिकन को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, ये मुल्क तरक्की क्यों कर पाए?
ये केवल और केवल एजुकेशन की बदौलत। हमारे यहाँ एजुकेशन अभी जीआर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ने हायर एजुकेशन देखेंगे तो हमारा 26% के आसपास है, कंपैरिजन टू अमेरिका दे आर 80%। तो अभी बहुत पीछे हम लोग हैं, हमारी हायर एजुकेशन अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है, हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पर एस्टेब्लिश हम नहीं कर पाए हैं। तो उस दौर में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की रोल बड़ी अहम हो जाती है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से हम लाखों की तादाद में बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि कन्वेंशनल एजुकेशन का सेटअप हमारे पास इतना नहीं है, एज ए पर प्रोपोर्शनली अनुपातिक रूप से हम बात करेंगे तो इतने बड़े मुल्क में अभी भी कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमारे पास में है, कितनों की रिक्वायरमेंट है। और अगर 2009 का दौर छोड़ दिया जाए उसके बाद में मैक्सिमम 50% हायर एजुकेशन सेटअप हमारे देश में बना, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईआईटी हो, आईआईएम हो, आईएमसी हो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, स्टेट इंस्टीट्यूट हो, इन सबको मिलाकर भी देखेंगे तो 1200 के आसपास इंस्टीट्यूशन इस देश में है। 1 अरब 30 करोड़ के देश में कितना सेटअप हमको चाहिए? तो अभी उस लेवल पर हमारा मुल्क नहीं पहुंच पाया है। इसकी बदौलत तो हमारा जीआर इन हायर एजुकेशन 26% के आसपास है। गवर्नमेंट चाहती है कि जीआर 2030 तक 50% हो। उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए और उसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की रोल बड़ी अहम है। आज बहुत बड़ी तादाद में हम जीआर में हमारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पाते हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है कि वो कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट क्यों नहीं बन पा रहे हैं। उसके पीछे अगर जाएंगे तो 2-3 वजह बड़ी स्पष्ट है। एक आर्थिक पक्ष, उनकी इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के कारण दे आर नॉट गेटिंग दे आर नॉट एनरोल फॉर हायर एजुकेशन। दूसरा इनटेक की प्रॉब्लम, हमारी जितनी भी कन्वेंशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी एक लिमिटेड इनटेक होती है और सबको उसमें दाखिला मिले ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जिनको दाखिला नहीं मिला है वो कमजोर नहीं है। ये बहुत क्लियर कट मैंडेट है, हमको ये समझना चाहिए कि मेरिट के आधार पर हमारे यहाँ रिटर्न टेस्ट के आधार पर बच्चों को दाखिला मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल गया दे आर इंटेलिजेंट और जिनको नहीं मिला वो कमजोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर एक इनटेक फिक्स होने की वजह से उन सबको जगह नहीं मिल पाती है। तो उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की रोल बड़ी अहम है। मैं कश्मीर में अभी काम करता हूँ, कश्मीर का डेटा आप देखेंगे 60,000 के आसपास लर्नर हमारे साथ जुड़ते हैं, मास्टर लेवल पर हमारे पास तकरीबन 20,000 के आसपास स्टूडेंट जुड़ते हैं ईयरली। तो ये बड़ी संख्या है जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं लेकिन किसी कन्वेंशनल एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की रोल ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जीआर बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण है और उस काम में हम मुस्तैदी से लगे हुए हैं। आगे भी इसी जज्बे के साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारा जीआर इंप्रूवमेंट हो और जब जीआर आपका इंप्रूवमेंट होता है तो निश्चित रूप से एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स तैयार होता है जो आपके देश को बनाने में बड़ी अहम रोल देता है। देखिए सर, अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी, थोड़ा सा व्यक्तिगत हो सकता है। सर अगला क्वेश्चन, हम जानते हैं कि आप स्वभाव से प्योर नास्तिक हैं, लेकिन तर्क संगत और मानवीय गतिविधियों में आपकी पूरी आस्था है, लेकिन फिर भी सर एक तरफ आप प्योर नास्तिक, दूसरी तरफ अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से आपका गहरा नाता है। पिछले 18 से 20 वर्षों से लगातार आप वहां व्याख्यान देते आ रहे हैं। तो सर ये जो चीजें हैं, प्योर आप नास्तिक जो आपका स्वभाव है और दूसरा इन दोनों संस्थाओं के बारे में सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, बीइंग ए पार्ट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी, आई एम रैशनल पर्सन, आई एम द साइंटिफिक टेम्परामेंट पर्सन, आई हैव इन माय माइंड लॉजिकल डिस्कशन, यू नो आई एम 100% एथिस्ट पर्सन। आई डोंट बिलीव इन एनी सुपर पावर, सुप्रीम पावर, एनी गॉड एंड गॉडेस, and nor I ever visited any temple, any mosque, any gurdwara, nor I will go. That is my personal things. So I will not insist to anybody to follow as I am following these things. But as a being part of human society, it is my moral responsibility, not moral responsibility, it is my constitutional responsibility to follow the direction as per given by our constitution. तो आप मैं ये बात सच है कि धर्म की वजह से इस देश में बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्स या यूं कहें कि इरेशनल थ्योरी, अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट, इलॉजिकल डिस्कशन का को बढ़ावा मिला है, जिसकी हमारे जिसकी मुझे मैं नहीं समझता हूँ कि मैं
क्योंकि मैंने उस दौर से अपने आप को निकाला है, मैंने इस चीज को बड़ी करीबी से देखा है, और मैं पर्सनली मैं नास्तिक व्यक्ति हूं, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, आपकी आस्था कहीं भी हो सकती है, ये आपका विषय है, लेकिन पर्सनली आई एम नॉट फॉलोअर एनी रिलीजियस एक्टिविटीज प्लीज। ये मेरी डे वन से बड़ी क्लियर कट मैंडेट है, एक आइडियोलॉजी रही है कि मैं किसी ईश्वर में मेरी आस्था नहीं है, मैं रैशनल डिस्कशन का व्यक्ति हूँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर चीजों को जज करता हूँ, सवाल करना एविडेंस मांगना कोई गुनाह नहीं है, अगर किसी के व्यक्ति किसी के जहन में कोई सवाल है तो उसका आंसर वी शुड गिव और वी शुड हैव इन आवर हैंड इन माइंड ऑल्सो। सो बगर अगर इफ यू वी डोंट हैव आंसर, और केवल इस वजह से कि हमारे पुरखों ने ये पूजा की है, ये पाठ ये चीजें फॉलो की है, तो आई विल नॉट डू, मैं नहीं कर रहा, नहीं किया है ना आगे भी करेंगे, लेकिन एज ए बींग पार्ट ऑफ रैशनल सोसाइटी यू नो साइंटिफिक टेम्परामेंट, लास्ट 10-15-20 ईयर्स आई एम द रेगुलर पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस कम्युनिकेशन कांग्रेस, और 2025-6-7-8-9-10-11 till 11 आई एम अलग अलग हिस्सों में मैं जाता रहा हूं, अपनी बात को इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखता रहा हूं, और ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूव कि देयर इज नो गॉड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज माई पर्सनल थिंग्स, आई विल नॉट इंसिस्ट एनीबडी, नॉट नो बडी कैन इंसिस्ट मी टू फॉलो दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स विच आई डोंट बिलीव। यू सेड आई एम रेगुलर फॉलोअर ऑफ अरविंदो सोसाइटी एंड प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, नॉट आई एम नॉट नॉट फॉलोअर देम, मुझे वो बुलाते हैं एक डिस्कशन के लिए, मैं वहां जाता हूँ, पिछले 18-20 साल से मुझे एक नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में एज ए की नोट स्पीकर, एज ए रिसोर्स पर्सन दे आर इन्वाइटिंग मी, और एज ए बींग पार्ट ऑफ मीडिया सोसाइटी दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द फैक्ट्स अबाउट मीडिया, अबाउट जुडिशरी, अबाउट पॉलिटिशियन, अबाउट अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो। So, as a part of media society, as being an academician of media, I'm putting my things, I'm putting my views through that platforms only. मैं कभी किसी चीज को follow नहीं किया, but fortunately, but this is also true कि through these two institutions, they are doing some good work. We must appreciate them also. That things I'm doing also. जी सर, देखिए सर, आपके पास समय का थोड़ा अभाव रहता है, उसके बावजूद आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन सर, एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगी, आज का जो युवा है, वो युवा कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहा है, सपने बहुत है, लेकिन फिर भी जो मार्गदर्शन के अभाव में वो जो रास्ता भटक जाते हैं। आज इस समय जो भी यूथ आपको सुन रहा है सर, आपके मार्गदर्शन से उन्हें बहुत उनको वो लाभान्वित होंगे, तो सर युवाओं के लिए संदेश, और क्योंकि ये आपसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जान सकता, मैं किरण को कैसे बोल सकता हूँ कि किरण को यू शुड कम हियर, यू शुड कम ज्वाइन दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन, नाउ आप अपने परिवार को, अपने हालात को, अपनी परिस्थितियों को आप खुद जानती हो, तो आप अपनी चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से जज कर सकती हो बजाय मेरे। मेरा काम केवल है कि आफ्टर सेलेक्टिंग योर चॉइस आई कैन गाइड यू प्रॉपरली, दैट इज द जॉब ऑफ टीचर्स। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग टुडे इन सोसाइटी कि हम बच्चों को इंसिस्ट कर रहे हैं हम जो चाहते हैं वो मुकाम हासिल करें, ये बिल्कुल ठीक जरिया नहीं है। हम जो चाहते हैं वो मुकाम बच्चे कैसे हासिल कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, नॉट आवर चिल्ड्रन चॉइस प्लीज। हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, जहनी तौर पर उनकी इंटरेस्ट कहाँ पर है, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। मैं आपको मेरा उदाहरण देता हूँ, आज से 25-26-30 ईयर्स बैक when I crack my 10 plus 2 examination, number of people's as advised that time me ki you have to choose this subject, but मैंने वो नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। पहली चीज मेरी इंटरेस्ट कहाँ पर है, दूसरी मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की है, तीसरी मैं कहाँ पर रहता हूँ, किस चीजों को अफोर्ड कर सकता हूँ, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। कोई भी एनीबडी कैन गिव यू एडवाइज यू कि आपको वो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, लेकिन ये कहने से नहीं होती है। तो ये चीजें, और मैं हमेशा थ्री इडियट मूवी का एक एग्जाम्पल देता हूँ, थ्री इडियट मूवी आप लोग देखिए, उस मूवी में क्या दिखाया गया, उस मूवी में केवल उसका एक कंसेप्ट ये था कि हमको किसी को मतलब भेड़ चाल नहीं करना है, लोग कर रहे हैं इसलिए वो काम मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, डोंट डू प्लीज,
आपको वो काम करना चाहिए जहां पर आपकी रुचि है, जहां पर आपका मन लगता है, जहां जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, और ये आपसे बेहतर दूसरा नहीं जान सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बच्चों पर अननेसेसरी जो डिप्रेशन के केस आ रहे हैं, सुसाइड के केस आ रहे हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे हैं, बच्चों को अपनी मंजिलें नहीं मिल रही है, वो इसलिए नहीं मिल रही है। मैं दूसरा उदाहरण 25 साल पहले का उदाहरण देना चाहता हूं। कोटा पूरे मुल्क में हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मैंने कोटा का एनालिसिस बहुत बड़ी बारीकी से किया है। मैंने वो दौर देखा है 26-27 साल पहले, जब बच्चे बच्चे से हम पूछते भी नहीं थे। जैसे ही बच्चा 10th में अच्छे मार्क्स ले आता है, उसको साइंस में उसका दाखिला दिला देते हैं, किसी को मेडिकल दे देते हैं, किसी को इंजीनियर दे देते हैं, मैथमेटिक्स देते हैं, और 10+2 के बाद में बच्चे को कोटा भेज दिया जाता है पीएमटी पीटीटी की या मेडिकल नीट की तैयारी के लिए। मैंने ऐसे हजारों केस देखे हैं। और अभी हायर एजुकेशन का जो जीआर हमारा है 26% जीआर हमारा है, यानी कि 10+2 के बाद में कॉलेज लेवल की एजुकेशन में 26% दाखिला ले रहे हैं, लेकिन हमारा जीआर देखेंगे किसमें, सेकेंडरी स्कूल में, दैट इज 76-70%। आप देखिए कि करीबन 40% का जो गैप है वो कहां पर है। हम तो सेकेंडरी स्कूल में तो 70% दाखिला ले रहे हैं, इट्स मीन 70% बच्चे टर्न अप होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन बट दे आर नॉट डूइंग। ओनली 26% आर कमिंग एडमिशन इन यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स। पीजी प्रोग्राम में 6% दाखिला हमारा है। तो ये इतना गैप क्यों है? उस गैप के पीछे वजह ये होगी कि 10+2 के बाद में हमने 10th जैसे बच्चा आता है, बच्चे से हमने पूछा नहीं, बच्चे के ऊपर हमने हमारी इच्छाएं थोप दी है, जबरदस्ती इम्पोज करना, बच्चे को जबरदस्ती अनवांटेड अनडिजायरेबल कोर्स में उसको दाखिला दिलाया। मसला उसका रिजल्ट क्या हुआ? बच्चा 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार फेल होता है। 3 बार में वो बच्चा मुश्किल से पीटी 10+2 करता है विद साइंस या मेडिकल के बाद। उसके बाद में पीटीटी के लिए कोटा भेज दिया जाता है, कोटा में वो 4 बार फेल होता है। 4-3-7 साल हमने उसका जाया कर दिए। 7 साल बाद में बच्चे से पूछते हैं कि भैया आप करना क्या चाहते हो, तो ये सवाल अगर 7 साल पहले ही पूछ लिया होता तो ये 7 साल जाया नहीं होती। तो इस वजह से हमारे बच्चे के हमने जो समय खराब किया है, या मैं इस बात की भी पैरवी हमेशा करता हूं, कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता, कोई सब्जेक्ट रोजगार एम्प्लॉयबिलिटी की गारंटी नहीं देता है। ये डिपेंड करता है अपने ऊपर, अपनी एक्सपर्टाइजेशन के ऊपर, अपनी डेप्थ नॉलेज के ऊपर। तो ये पता नहीं किस तरह की एजुकेशन ऐसा हमारे सोसाइटी में हम लोग को हमारे बच्चों को दे रहे हैं, जहां पर एक को कमजोर बना दिया गया, एक को बड़ा सुपीरियर बना दिया गया है। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। दूसरा कि कोई हर सब्जेक्ट में अच्छा होता है, बस अर्थात कि बच्चा उसमें किस तरह की एजुकेशन एक्वायर करता है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी पकड़ कितनी है, उसका इंटरेस्ट कितना है। आज देखिए हमारे दौर में NIFT नहीं हुआ करता था, आज देखिए 26 NIFT हो गया। अक्रॉस द नेशन में NIFT क्यों खोल रहे हैं? क्यों न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी हम लोग जा रहे हैं? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है? वही काम होता है जो हमारी बच्चियां घरों में करती है। इसमें वही सिखाया जा रहा है जो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चियां, मेरी बेटियों की मैं बात करता हूँ, मेरी बच्चियां अच्छी ड्रॉइंग करती है, दे आर वेरी एक्सपर्ट, डॉटर्स आर वेरी एक्सपर्ट इन ड्रॉइंग एंड पेंटिंग्स, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब्स, बट दैट टाइम वी डोंट हैव एनी फैसिलिटी फॉर देम। नाउ वी आर रिकॉग्नाइज देयर इंटरनल नॉलेज, इंटरनल इंटरेस्टिंग, और अकॉर्डिंगली वी आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म्स। तो ये NIFT, IIMC अभी उस दौर में नहीं हुआ करते थे। 31 NITs है, IIT 23 IITs है, इनमें अलग अलग स्ट्रीम्स का डेवलपमेंट हो रहा है। आज हमारे यहाँ 21 डिपार्टमेंट्स है, 21 डिपार्टमेंट में 44 मास्टर डिग्री प्रोग्राम है अलग अलग लेवल पर। तो इस दौर में आज वेरिएशन बढ़ रहा है, आज अलग अलग चीज को हम स्क्रिप्ट के रूप में उनको ला रहे हैं, उनको डिजाइन कर रहे हैं, उसको लर्न करना चाहते हैं। आज एंड्रॉइड ही हो, चाहे आपका हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे आपका बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे काम है जो गाँव देहात में बहुत आसानी से बच्चियां बच्चे करते हैं, बट दे आर नॉट स्किल्ड, दे डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग फॉर देम। तो ये क्यों चीजें मुमकिन हो रही है आज की तारीख में? अब ये मुमकिन हो रही है कि जिस तरह का इंटरेस्ट हमारे बच्चे रहते हैं, उसी तरह की एजुकेशन उनको देना चाहिए। राइट नाउ माय डॉटर इज डूइंग बीटेक फ्रॉम NIT, बट मैंने उसको कभी नहीं कहा कि किस तरह की सब्जेक्ट आप लेना चाहती है, व्हाट एवर यू वांट प्लीज यू डू इट। तो ये फ्रीडम बच्चों को होना चाहिए, बच्चे क्या चाहते हैं, क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, दे शुड बी फ्री, दे शुड बी गिवन द स्पेस टू टेक द सब्जेक्ट एज पर देयर चॉइस। जी सर, एक बार फिर से सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे और मेरे दर्शकों की तरफ से, क्योंकि आज का ये जो सेशन है, जितने भी दर्शक अभी आपको सुन पा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सर देखिए, आप लगातार
समाज के लिए, युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सर, भविष्य के को लेकर जो आपने योजनाएं बना रखी है, उन योजनाओं के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आगे आप जो है कार्य करेंगे। किरण, सबसे पहले तो नोबडी नोज व्हाट हैपन टुमारो, ये चीज हमको, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला जो है, हाइपोथेटिकली किसी चीज का आई कांट रिप्लाई, यू नो कल क्या होगा ये कोई इस बात से वाकिफ नहीं है। और आपकी ये बात सच है कि आने वाले समय में अपने आपको प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आपको तैयार रखना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलती है आने वाले समय में, किसी भी ओहदे पर, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी लेवल पर, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि एक उसी जज्बे के साथ, उसी ऑनेस्टी के साथ, जिस तरह आज हम कर रहे हैं उसी तरह से काम करेंगे। और ये हमारी ओर से ये इंश्योर है कि हमारी कंट्रीब्यूशन देश को बनाने में, हमारे मास्टर को बनाने में, हमारे लोगों तक, लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव वे में तैयार करने में बड़ी अहम है। और आगे भी इसी जज्बे के साथ मैं काम करूंगा और इसी इरादे के साथ लगातार हमारे मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों, हमारे बच्चे जो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कमजोर है आज की तारीख में, दे आर नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट, यू नो, उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए उनमें इस तरह की इंस्पिरेशन जो काम आप कर रही है, मैं आपको बड़ा आपको बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत शुक्रिया आपका कि कम से कम ये जिस तरह के डिस्कशन डिलीवरेशन जो हम करते हैं, ये इससे व्यक्तिगत मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी आज की डिलीवरेशन को सुनने के बाद में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ताकत मिलती है। और मैं अपने आप को, मैंने भी दूसरों को देखकर एक ताकत मिली कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक दूसरे को देखकर एक जुनूनी होना, यू नो पैशनेट क्रिएट करना जहनी तौर पर हमारे दिमाग में, तो पैशन का होना जरूरी है। और पैशन, झील, एंथुजियास्टिक एनर्जी जो होती है, उसके मार्फत हम मंजिलों को हासिल करने में बड़े कामयाब होते हैं। लेकिन मैं लास्ट में यही कहूंगा कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। ये हौसला, ये जज्बा, ये पैशनेट होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। बिना पैशन, बिना कॉन्फिडेंट, वी कांट सक्सेस। तो मेरे यूथ से मेरी आपके कार्यक्रम के माध्यम से यही अपील है कि जिंदा वही है जिसके हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर है, जिंदा वही है जिसके हौसलों के तरकस में कोशिशों का तीर है। और अदरवाइज हम वी कांट कॉम्पीट, वी कांट सर्वाइव, वी कांट फॉरवर्ड, वी कांट मूव फॉरवर्ड प्लीज। तो दूसरी इस बात को भी हमको अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि कोई भी सफलता, कोई भी मुकाम इतना आसानी से नहीं मिलता, उस मुकाम के हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टिवली अप्रोच के साथ लगातार हमको हमारी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है। एक हमारे प्रोफेसर जी, प्रोफेसर साहब डॉक्टर शिव प्रसाद जी मुझसे कहा करते थे, बी हियर बी रेगुलर, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ हायर एजुकेशन। मैंने कोई क्लास बंक नहीं की, मैं कभी कोई अव्वल दर्जे का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं एक बिलो औसत से छात्र रहा हूं, लेकिन बी हियर बी रेगुलर, दैट इज इन माई माइंड। उन्होंने कहा कि आप रोज कक्षा में आइए, रोज कॉलेज में अटेंड करिए, क्लास हो या ना हो, टीचर आए ना आए, बट यू शुड बी देयर। तो ये फिलोसफी, ये जो प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शिव प्रसाद जी ने मुझे दिया, ये बड़ी मेरे लिए अहम रही है। और मौलाना साहब सर सैयद अहमद खान साहब ने को पढ़िए, मौलाना आजाद साहब को पढ़िए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, फातिमा बीबी को पढ़िए, उनके जीवन आपके लिए आपको एक ताकत देंगे। आप फातिमा बीबी के बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, आप देखिए उस लेडी ने उस दौर में, जिस दौर में कि यू कांट इमेजिन, उस दौर में महाराष्ट्र जैसे इलाके में और सामंतवादी समय में, जहां पर इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज्यादा इनजस्टिस लोगों के साथ में था, उस दौर में फातिमा बीबी ने एक स्कूल सावित्रीबाई फुले को चलाने के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए। और राष्ट्र ज्योतिबाराव फुले दोनों ने मिलकर एक स्कूल खोला आज से 150 साल पहले। तो महात्मा ज्योतिबाराव फुले को इंस्पायर होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में आए, और बाबा साहब ने जिस हालात को पार करते हुए आज देश के सामने एक नजीर पेश की, ये अपने आप में हमारे लिए आज अपने आप में इंस्पिरेशन ताकत है।
सर सैयद अहमद खान ने जो इंस्टीट्यूशन देश दुनिया उस वक्त बनाया, मौलाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज उस इंस्टीट्यूशन के मार्फत देखिए कितने हजारों लाखों की तादाद में बच्चों का जीवन बदला। तो मैं यही कहूंगा कि एजुकेशन, तालीम, इल्म सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमारे मुआशरे के हर व्यक्ति तक इल्म पहुंचे इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। यही मेरा आपके कार्यक्रम के माध्यम से संदेश है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर हम आपके इतना समय हमें देने के लिए। आपकी बातें, आपकी प्रेरणा सभी के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। तो सर एक बार फिर से मैं और मेरे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू प्लीज।